हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। तो बहुत लोगों का, आप सबका कमेंट में आया था क्वेरी कि खान सर के ऊपर, मतलब कि पूरा डिटेल वीडियो बना देने के लिए कि एडमिशन कैसे होगा 71st BPC के लिए, UPC के लिए क्या प्रोसीजर है, टेस्ट होगा कि नहीं होगा, कितना फ़ी लग रहा है, कि बैच का स्ट्रेंथ कितना होगा, भीड़ होगा या नहीं होगा, कितने दिन तक बैच चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन चलेगा, हिंदी मीडियम चलेगा, इंग्लिश मीडियम चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप सबके कमेंट का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए चल करके इंक्वायरी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो मेरे को भी नहीं पता है बहुत कुछ है। तो जो भी इंक्वायरी ऑफिस में बताया जाएगा हम आपको बता देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे कि आपको भी लाभ मिल सके, मतलब बेनिफिट आपको भी हो सके। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरी फ्रेंड निकल गए हैं इंक्वायरी करने के लिए, और चौराहा खान सर का कोचिंग बहुत नज़दीक है, तो तुरंत पहुंच गए। और मेरी दोस्त तो दम जाते के साथ ही मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, तो हम बोले छोड़ दो, रहने दो। फिर आकाश भैया से पूछे कि आपका वीडियो ले लें, तो बोले नहीं, बाद में आप बना लीजिएगा। फिर वीडियो बनाए और इंक्वायरी करके निकल गए। फिर इसी बिल्डिंग में, मतलब इसी क्लास में जिधर जा रहे हैं ना, उधर ही हम लोग का पहले क्लास चलता था, तो सोचे कि पुरानी यादें ताज़ा कर लें। तो यहाँ पे KGS नीट और JEE का एडमिशन चल रहा था, और ये देखिए हम लोग का क्लास इसी में हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन तो एक आदमी आए, मतलब कि वहाँ के स्टाफ आए, और बोले कि क्लास में जाना अलाउ नहीं है। हम बोले कि हम KGS के स्टूडेंट थे और इसी क्लास में हम बैठ के पढ़ते थे। वो बोले कि पढ़ती थी ना, अब नहीं कि क्लास होने वाला है ऑनलाइन, तो अब जाइए। तो कर ली इंक्वायरी और चले गए। तो तब तक जाते जाते मेरे पापा का कॉल आया, तो पापा बोले कि कुछ जूस वूस पी लो, तो पी लिए और चलिए। तो दोस्तों, इंक्वायरी करने गए थे और ये देखिए लेकर के आए हैं आप लोग सबके लिए, क्योंकि हम तो खुद पढ़ते हैं यार BPSC में, मतलब कि खान सर के यहाँ, तो हम क्यों इंक्वायरी करने जाते हैं। तो आप सब बोले थे ना, तो इसीलिए गए थे और अपने YouTube चैनल के लिए गए थे। बहुत लोग कहाँ, ये था क्वेश्चन कि खान सर का प्रमोशन करते हो क्या? तो नहीं, खान सर का प्रमोशन हम नहीं करते, हम खुद से वीडियो बनाते हैं। खान सर प्रमोशन करने के लिए मेरे को एक रुपया भी नहीं देते, हम खुद के लिए, मतलब कि। और बाकी लोगों का ये रहता है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये कर दीजिए ये कर दीजिए, तो करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करते खान सर का। खान सर का नाम ही काफ़ी है यार एडमिशन और वगैरह सब कुछ लेने के लिए। तो ये मतलब कि इस भ्रम में ना रहें आप कि मेरे को प्रमोशन करने के लिए रखा गया है, ऐसा नहीं है। तो हम गए थे, बहुत लोगों का था ये क्वेरी कि एडमिशन कैसे होता है, टेस्ट बेसिस पे होता है क्या? वो टेस्ट बेसिस पे नहीं होता है, खान सर खुद बोलते हैं कि हम सबको मौका देते हैं कि आकर के मेरे यहाँ पढ़ें और देखें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई टेस्ट नहीं होता है, बस आपको पैसा ले करके जाना है और एडमिशन ले लेना है। तो गए थे, तो काश भी मिले थे, तो वो बोले कि आप तो पढ़ती ही हैं, तो फिर क्यों BPSC का इंक्वायरी करने आई हैं? हम बोले भैया वीडियो बनाने के लिए, आप कभी बना ले? तो बोले नहीं कि हम समझा देते हैं आपको, आप बना लीजिएगा बाद में। हम बोले ठीक है, वही कर दीजिए। तो 71st BPSC के लिए और 27 जून से एडमिशन स्टार्ट है, 27 जून यानी 27 जून। उसमें PT मेंस इंटरव्यू टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड होगा, मतलब सब कुछ। और फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको दोनों लेक्चर दिया जाएगा, मतलब कि अगर आपको ऑफलाइन का एक्सेस दिया जाएगा, अगर आप किसी कारणवश आप क्लास नहीं जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। और आपको क्लास जाने का मन नहीं कर रहा है तो आप घर पे ही और मतलब कि लाइव लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे का क्लास ना, ये ऑनलाइन करने बैठिएगा ना तो 2.5 घंटे लग जाते हैं, मेरे अपने लग जाते हैं, आपका पता नहीं। तो क्लास चाहिए यार, अगर ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑफलाइन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये नहीं सोचिएगा कि लाइव कर लेंगे और एडमिशन लेने के बाद, नहीं, ये गलत बात है। तो ऑफलाइन, ऑनलाइन और लाइव तीनों चलते रहता है। आपको ऐप का ये मिल जाएगा जो भी एक्सेस, तो आप कर सकते हैं। फिर टेस्ट होता है हर वीक, अगर आपका जो भी टॉपिक कम्प्लीट हो तो टीचर्स का मन हुआ तो टेस्ट ले देते हैं। तो टेस्ट, और फिर इसका क्या था, हाँ, 1 साल का कोर्स है और 18 मंथ तक आपका लेक्चर अवेलेबल रहता है, मतलब कि आप 18 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसका प्राइस है 20,000। जब हम लोग एडमिशन ले रहे थे 70 BPSC के लिए, तो उस समय 20,000 प्राइस था, लेकिन इंस्टॉलमेंट में हम लोग अगर लेते, हम तो एक ही बार में पेमेंट कर दिए थे, अगर इंस्टॉलमेंट में लेते तो 12,000 और फिर 10,000, मतलब 22,000 टोटल लग रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पूरा आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा।
और फिर था कि खान सर बोले थे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को इस पर सेपरेट कर देंगे, लेकिन कल आकाश भैया बोले कि अभी कंफर्म नहीं है, अभी बाइलिंगुअल बोल करके ही बैच दिया जा रहा है आप लोग की तरफ, मतलब हम लोग का जैसे हो रहा है, बाद में मे बी सेपरेट हो सकता है, तो आप ले सकते हैं, मतलब दोनों चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवाया जाता है और आपको दिक्कत नहीं होगा ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि हम लोग को तो अभी तक नहीं हुआ ज़्यादा दिक्कत, बस थोड़ा बैच स्लो हो जाता है, तो बाइलिंगुअल ही एडमिशन मतलब वही चल रहा है एक, बाद में शायद हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम को अलग कर दिया जाए और हिंदी मीडियम को, लेकिन पता नहीं। और ये हम बोरिंग रोड के बारे में इन्फॉर्मेशन, खान सर का जो ब्रांच बोरिंग रोड में है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम यहीं पर पढ़ते हैं और मुसल्लपुर के बारे में ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ पर हिंदी मीडियम का केवल बैच चलता है, मतलब आप केवल हिंदी मीडियम से हैं तो आप ले सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं और आप चाहेंगे कि मुसल्लपुर में ले लें एडमिशन तो आपको समझ में नहीं आएगा उतना, क्योंकि आप गूगल करने में ही रह जाइएगा, तो देख लीजिएगा अपना जैसा भी हो, तो 20,000 का 20,000 ही लगेगा। फिर यूपीएससी का भी इंक्वायरी कर लिए थे, तो यूपीएससी का ये था कि हाँ एडमिशन कब से स्टार्ट है इसका, तो एडमिशन स्टार्ट है अभी, ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट है और इसका ऑनलाइन भी रहता है, ऑनलाइन शायद 4500 या फिर 5000 का मिलता है इसका बैच का, तो आप ले सकते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन अभी मेरे को आइडिया उतना अच्छे से नहीं है कि ऑनलाइन आया है कि नहीं, लेकिन ऑफलाइन बीपीएससी का एडमिशन चल रहा है आप ले सकते हैं, और इसका बैच स्ट्रेंथ है 1000 बच्चे का ही एडमिशन होगा, अब बाकी पता नहीं कि शायद ले सकते हैं ज़्यादा लोग इन लोग एडमिशन, क्योंकि हम लोग का जब फर्स्ट टाइम एडमिशन स्टार्ट हुआ था तो 300 का ही ये था सीट स्ट्रेंथ कि 300 बच्चे का ही लिया जाएगा, लेकिन दो बैच को मर्ज कर दिया गया था, तो इस बार पहले से ही 1000 बच्चे का बोल दिया गया है, तो 1000 बच्चे को वहीं लिया जाएगा, अब आगे का पता नहीं, टेस्ट वेस्ट आपको सबका आप सबका होगा, और पहले से मतलब कि जून में ही स्टार्ट हो जा रहा है, तो अच्छा मतलब कि अच्छे टीचर को भी अच्छा टाइम मिल जाएगा आप लोग को समझाने के लिए, हम लोग का तो दिसंबर में एक बैच स्टार्ट हुआ था और फिर एक अगस्त के लास्ट में एडमिशन हुआ था, तो इस बार पहले हो रहा है तो आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। फिर 27 जून से ऑनलाइन फिर यूपीएससी का भी 27 जून से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका प्राइस है 50,000, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, जीएस का 35,000 फी है मतलब 35,000, सीसैट का 5,000 5,000 और ऑप्शनल का 10,000 मतलब 10,000, तो टोटल मिला करके 50,000 है, और इसका एडमिशन अभी नहीं हो रहा है, 10 जून से एडमिशन स्टार्ट होगा, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम शायद इसका अलग अलग बैच होगा, मतलब कि यूपीएससी का अलग अलग बैच आ गया इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, बाकी अभी एडमिशन तो नहीं हो रहा है, जब एडमिशन होगा तो इस पर क्या हो रहा है क्या नहीं अलग से वीडियो बना देंगे, और फिर हम गए थे टेस्ट सीरीज़ के बारे में पता करने, क्योंकि मेरे को भी टेस्ट सीरीज़ लेना था ना, तो ये 26 तारीख से स्टार्ट है, यही 26 से, तो 26 से स्टार्ट है टेस्ट, और 24 टेस्ट होगा, 12 फुल लेंथ टेस्ट और 12 सेक्शनल टेस्ट, 3500 प्लस क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मतलब कि रिकॉर्ड करके मतलब शॉर्ट में इसका क्वेश्चन का आपको आंसर भी दे दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में, तो यहाँ ये सब शेड्यूल है, ये सब और कुछ कुछ है, हम आपको वीडियो फॉर्मेट में इसी में लास्ट में अटैच कर देते हैं क्या क्या है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थैंक यू, बाय बाय। ये देखिए टेस्ट सीरीज़ वाला पीडीएफ है, आप एडमिशन लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये सब डेट है, टॉपिक है, स्रोत है, मतलब सोर्स कहाँ से आएगा, केजीएस नोट्स एनसीईआरटी ये सब मतलब लिखा हुआ है सब कुछ, देखिए लास्ट टेस्ट है 22 को, फिर ये देखिए कि कब कब कितना कितना मार्क्स पे कब कितना कितना कट ऑफ गया था ये सब लिखा हुआ है, फिर नए बदलाव को पहचाने मतलब क्या क्या करना चाहिए, इस बार क्या क्या बदलाव किए गए हैं 69 पीपीसी में ये सब दिया हुआ है, फिर करंट अफेयर का मैगजीन वाला